मेरी पार्वती मैया, कल रात मैंने यहाँ विश्राम किया था भैया के होटल पे। मेरी मैया तो देख सकते हैं, चार पाई पे विश्राम किया था। बाकी मैंने बैग अपना कुर्सी पे रख दिया था। और कल वडोदरा से पहले, वडोदरा यहाँ से करीब मेरी मैया ऐसी है, वडोदरा कितना भैया? 40-50। हाँ 40-50 करीब, 40 करीब ही है, 50 नहीं है। तो आज वडोदरा पहुंच जाऊंगा 40 से भी नीचे। तो आपके भक्त कहीं ना कहीं बोर्ड वाले भोजन की व्यवस्था करा देते। बाकी भैया के ढाबे पे रुका था, भैया ने खूब बोला कि भैया मैं कुछ करवा देता, मैंने नहीं भैया मेरे लिए भोजन आ रहा। बाकी भैया बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव भैया। हर महादेव। क्या नाम है आपका भाई? ढाबे का नाम क्या अपने? शर्मा चौकड़ी। तो मेरी भैया देखिए, भैया बहुत सेवा करते हैं। भैया मुझसे भोजन के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा उपवास था, इस चक्कर में उपवास वाला भोजन मेरा आगे से आ गया था, जो मेरे भैया जी ने बता रहा हूँ, जो वीडियो देखते हैं उनके जीजा देने आए थे। बाकी देखिए भैया उधर सोया था, और बाकी अब निकल रहा हूँ क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है। अभी बरसात बंद हो गई है, इस चक्कर में निकल जाऊँ, 8 बजे लेट हो गया हूँ। तो चले भैया, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो मेरी भैया बरसात अभी बंद हुई है, ठंडा ठंडा मौसम था, रात जल्दी सो गया लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठा, ठंड के मारे हालत ख़राब अभी भी, जो तबीयत ठीक नहीं चल रही है और चलने के चक्कर में दर्द रहता है। और मेरी भैया देखिए, सुबह सुबह चेक पोस्ट वाले खड़े हैं, हमारा भी चलान काटेंगे क्या है? नाटक चलेगा क्या हमारे दर्द? देखिए भैया वो सुबह सुबह चेकिंग हो रही है वो, देखिए। और हम निकले आगे की ओर क्योंकि वडोदरा यहाँ से ज़्यादा नहीं है, इस चक्कर में आज वडोदरा बाहर से भी रास्ता जा रहा है और एक अंदर से जा रहा है। अब वडोदरा अंदर होते हुए जाता 2 किलोमीटर मेरे को लंबा पड़ेगा, अगर वडोदरा बाहर होते हुए पावागढ़ जाऊंगा तो मुझे 2 किलोमीटर छोटा पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कैसे है, अभी तो चलते मेरी मैया, जैसा होगा जो उनसा रास्ता अच्छा होगा तो उस रास्ते से निकलेंगे। बाकी चलते हैं आगे की ओर, हर हर महादेव। तो मेरी मैया अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, आया भैया के पास चाय पी, कितनी देर सोया भैया मैं? 2-3 घंटे ही भैया की दुकान पे सो गया, वहाँ बैग रख के देखे मेरी मैया, पता नहीं कैसी गहरी नींद आ रही थी, पैरों में दर्द हो रहा। अब उठा हूँ और शाम हो गई है और बरसात पड़ रही है, चलने का मन है लेकिन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। और भैया जगह कौन सी अपनी है? बोरसर बाईपास। और वडोदरा कितना अपना? 35। तो 35 किलोमीटर है यहाँ से वडोदरा। तो मेरी मैया अभी ही विश्राम कर रहा हूँ, मन है चलने का लेकिन आज ज्यादा नहीं चला, गाड़ी की एवरेज नहीं आई है, मुश्किल से मुश्किल 10-11-12 किलोमीटर चलाऊ मेरी मैया। अब देखिए अगर बरसात बंद होती है तो रात में खींचूंगा, क्योंकि यहाँ से पैदल के मार्ग पे आपका 66 किलोमीटर दिखा रहा है। अब थोड़ी देर यहाँ बात बात करके भैया से, फिर देखते हैं जैसी बरसात बंद होती है फिर आगे की ओर निकलेंगे, क्योंकि देखिए तो देखिए क्योंकि सारी तरफ काई काई हो रही है और बैग हमारा ये रखा है। तो मैया फ़ोन भी चार्ज नहीं, थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लें फिर निकलते हैं। कुछ नहीं 10 किलोमीटर तो चलूंगा मेरी मैया, क्योंकि जब जाके 50 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि 63-66-10-12-13 जो चलूंगा तो 55-56 छोड़ूंगा, जब ही जाके कल परसों पहुँच जाऊँगा मेरी मैया। अगर रात खींच दिया तो कल रात या परसों सुबह पहुँच जाऊँगा, नहीं तो आराम से चला तो परसों रात पहुँचूंगा मेरी मैया। तो मैया थोड़ी देर विश्राम करने जाकर मैं, तो मेरी पार्वती मैया बरसात बंद ही नहीं हुई तो इस चक्कर में इसी ढाबे पे रुकना पड़ा जिसपे मैं दोपहर में सो गया था और शाम को सो के उठा था। अब जाके बरसात बंद हुई है तो पूरा अंधेरा हो गया। तो मेरी मैया, भैया ने मेरे भोजन की व्यवस्था करी है, भैया अपने घर से लेकर आए। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। क्या नाम है? अजय जी। अजय जी तो देख सकते हैं मेरी मैया और अंकल जी के होटल पे सो रहा। हर हर महादेव अंकल। हर हर महादेव। अंकल जी के होटल पे और भैया अपने घर से भोजन लेकर आए हैं, भैया के मतलब कि अंकल के जो लड़के उनके दोस्त हैं ये, तो बर्त वाला भोजन लिया है। तो मेरी मैया मैं उपवास खोलने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया और टाइम पे सोऊंगा, कल सुबह जल्दी चलूंगा क्योंकि अभी यहाँ से 66 किलोमीटर है। तो मैंने भी मैप पे देखा था और देख सकते हैं मेरी मैया, आपके भक्त बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था ले आते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं एक बारी महादेव बर्त रखवाई देते हैं। सोमवार नहीं होता लेकिन उस दिन भी सोमवार बना देते हैं मेरे महादेव। तो मेरी मैया आप उपवास वाला भोजन आ गया, मैं उपवास खोलने जा रहा हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, मेरे महादेव गुस्सा करेंगे। तो देख सकते हैं मेरी मैया भोरा मेरा उपवास वाला भोजन, बाकी अंकल जी का बिस्तर ये लगा भी, मैं अपना बिस्तर ये देखिए भाई साहब भोग रहे हैं। तो मेरी मैया देखिए, ये हमारे यहाँ तो सामा के चावल की खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन भैया से पूछता हूँ क्या क्या बोलते हैं, भैया क्या बोलते हैं इसे? मुरैया खिचड़ी। तो देख सकते हैं मेरी मैया मुरैया खिचड़ी है, बाकी दही है, दही मिक्स करूंगा और अभी गर्म हो रही है तो ठंडा करके खाऊंगा। और तो मेरी मैया देखिए वो भैरव बाबा खड़े हुए हैं,
वो गुस्सा कर रहे हैं क्या, चुपचानी से खाना खा ले। ठीक है मेरी मैया, उपवास खोल लें हम, बाकी गरम हो रहा दही मिला है इसमें। तो मेरी पार्वती मैया उपवास खोल लिया है। भैया अपनी वाइफ के हाथ से बना भी भोजन लेकर आए थे, मतलब भाभी के हाथ का बना भी भोजन था। बड़ा दिल खुश हो गया भोजन करके, समय के चावल की खिचड़ी थी, बड़ा मेरा फेवरेट समा के चावल और आपका साबूदाने खिचड़ी व्रत में, दोनों ही मेरी फेवरेट है। तो आज समा के चावल की खिचड़ी खाई है और कल पटेटो आलू खाए थे मैंने फ्राई वाले जो भैया के यहाँ से आए थे, और बाकी अपना बिस्तर लग गया। और ये भाई हमारे एक और हर हर महादेव भैया, क्या नाम है आपका? और ये हमारे दोस्त का नाम क्या है? हाँ है बाबा कल्लू, तो देख सकते हैं कल्लू दादा है, वो कल्लू दादा कल्लू नाम है उसका। और बाकी हमारा बिस्तर लग गया देख सकते हैं। तो थोड़ी देर भैया से बात करने के बाद फिर सोने जाऊंगा, वरना नहीं तो आपसे बात करने आऊंगा। मेरी भैया देखिए वो भी बोलना चाहता है, वो भी कुछ कह रहा है, बोलिए भैया से कुछ बोलिए। कह रहा भैया मेरा भी, हाँ पता ही है, कह रहा मैं मैया मैं ये भी कह रहा कि मैं भी यात्रा पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे मना कर रहा तू यहीं पे रह। बाकी मैया अभी भैया से बात करने के बाद फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।